हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज में। और गाइस, पिछले वाले एपिसोड में मैंने यहाँ पे बनाया था अपने विलेजेस के लिए एक बढ़िया सा हाउस। और गाइस, इस वाले वीडियो में मेरा एक ही गोल है कि सभी विलेजेस को, मतलब जो भी मेरे बेस के अंदर बचे हुए, और सभी को मैं उन विलेजेस हाउस के अंदर मतलब ट्रांसफर करने वाला हूँ। और सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जॉब लोग बना के, और सभी को अलग अलग प्रकार के जॉब असाइन करने वाला हूँ ताकि हम उसके साथ ट्रेडिंग कर सकें। अभी देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास थोड़े बहुत विलेजेस तो यहाँ पे पहले से है, उन सभी को हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखो 4 विलेजेस अपने पास है, तो सभी को मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो मैं फटाफट अपने स्टोरेज रूम में जाता हूँ और चेक करता हूँ अपने पास अभी कौन सा सामान है। अभी देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक बोट और थोड़े बहुत यहाँ पे डट भी ब्लॉक, मतलब चाहिए होगा टेम्पररी। मुझे उन सभी को यहाँ पे किडनेप भी करना पड़ेगा बार बार से, ताकि वहाँ से भाग ना जाए। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी एक बोट थी उन लोग को मतलब यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको लेकर मैं फिर से वहाँ पे अपने बेस पे जाता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे जो है पूरा ग्लास का लेयर है, और बाहर से मेरे जिसको हम यहाँ पे ले जा ही सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना पूरा घर तोड़ना पड़ेगा। तो ये पीछे वाले लाइन में से यहाँ पे देखो, यहाँ पे से प्लैंक का एक दीवार है, तो वहाँ से ही उसको निकाल के और डायरेक्टली वहाँ पे मतलब जो विलेजेस का हाउस है उसके पिछले वॉल से यहाँ पे उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो फटाफट से पहले मैं जाता हूँ बेसमेंट में और यहाँ पे एक बोर्ड लगा देता हूँ, और उसको सराउंड में यहाँ पे फटाफट से पहले बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब डट का एक लेयर, ताकि विलेजेस हो यहाँ पे मतलब जैसे उसको आदत करो यहाँ से भाग ना जाए। अब इसको भी मुझे यहाँ पे कवर करना है, और अंदर वाले जो वॉल है उसको मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ, ताकि जो भी यहाँ पे एक दो विलेजर जो भी यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर बैठ जाए। अभी देखो, डायरेक्टली यहाँ पे बैठने वाले नहीं है, उसको हमें यहाँ से मारना पड़ेगा ताकि डर के मारे बैठ जाए यहाँ से। और अभी 2 विलेजर से यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी यहाँ पे रिमेनिंग 2 है, उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टेम्पररी एक वॉल बनानी पड़ेगी, ताकि उसको जब यहाँ पे लेके जाओ तो वो दो यहाँ से भाग ना जाए। यहाँ से मुझे ऊपर से एंट्रेंस लेना पड़ेगा अभी के लिए। तो चलो, अभी यहाँ पे देखो 2 विलेजर उसके अंदर बैठ गए ऑलरेडी बोट में, अभी वो दोनों भी यहाँ पे सिक्योर है। अभी उस वाले वॉल को मैं निकाल देता हूँ और थोड़े बहुत यहाँ पे ब्लॉक निकाल देता हूँ। अभी ये देखो बंदा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे गेट खोला उसको जगह मिली है, तो मतलब घुस ही गया यहाँ पे, मुझको मतलब पता नहीं क्या मिलेगा उसके अंदर। अभी देखो, यहाँ पे रात होने से पहले मुझे इन दोनों को उसके अंदर ले जाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ज़ॉम्बी आके उसको यहाँ पे परेशान ना करे। अगर ज़ॉम्बी आएगा तो हमारे साथ भी दिक्कत हो जाएगी, उसको मतलब उसको मारेगा, इसको पकड़ेगा, उसको उसके अंदर ले जाएगा, क्या करे पता नहीं चलेगा। अभी देखो, घर यहाँ पे बिल्कुल पास ही में है, तो जाने में मतलब दिक्कत नहीं हो रही, फटाफट से इसको उसके अंदर ले जाते हैं। अभी देखो, यहाँ पे 2 विलेजेस को मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे ला दिया। जैसे इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, इसका नंगा नाच यहाँ पे चालू हो जाता है घूमने का, और इसको लग गया। सावधानी से यहाँ पे बोर्ड को तोड़ना पड़ेगा, ताकि ये मर ना जाए। यहाँ पे देखो, डायरेक्टली ऐसे पागल हो रहे हैं यहाँ पे। अब इन दोनों को तो यहाँ पे ला दिया सक्सेसफुली, अभी और 2 बचे 2 विलेजेस को मुझे सेम वे में यहाँ पे लाना है, तो फटाफट से उनको लाके मैं आता हूँ यहाँ पे। अभी देखो, ये इस बार भी यहाँ पे देखो, एक आसानी से बैठ गया, दूसरे को यहाँ पे मार के भगाना पड़ गया, तभी जाके यहाँ पे बैठेगा वो। और इन सभी बेड्स को भी मैं यहाँ से निकाल देता था, ताकि यहाँ पे बिल्डिंग कराने का टाइम है, बेड की जरूरत पड़ेगी, वरना यहाँ पे बेड की कमी होगी तो वेलेस यहाँ पे बिल्डिंग भी नहीं करेगी। और ऑलरेडी यहाँ पे देखो, हमें एक जॉब ब्लॉक मिल गया जो कि प्लेचिंग टेबल, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी इसको भी फटाफट से मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ मैं। अभी देखो, ऐसे यहाँ पे 4 विलेज को मैंने यहाँ पे ला दिया है, अभी इसी पीस को मुझे यहाँ बिल्डिंग करा के उसकी आबादी बढ़ानी है सिर्फ। जल्दी से इस वॉल का भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए। अभी देखो, मेरे पास यहाँ पे जितने भी बेड्स हैं, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया ऑलरेडी, ताकि यहाँ पे जब उसको हम खाना दे तो ऑटोमेटिक वो बिल्ड करना चालू कर दे, वरना यहाँ पे बेड की कमी होगी तो बिल्डिंग भी नहीं करेगा विलेजर्स।
अभी के लिए देखो यहाँ पे गाइस, इन लोग का ब्रीडिंग का पूरा जो मतलब प्रोसेस है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रोसेस नहीं उसका सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी देखो यहाँ पे सिर्फ 3-4 विलेज है जो कि अपने यहाँ पे एक दूसरे का मुंह ही देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं जाता हूँ अपने शोरूम में। यहाँ पे अपने पास जितने भी यहाँ पे एविल थे उसको मैं वीट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और वीट के यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड बना लेता हूँ, और बाकी का थोड़ा मैं यहाँ पे अपने क्रॉप में जाकर पोटेटोस भी ले लेता हूँ उनकी ब्रीडिंग के लिए। और अभी जल्दी से मैं यहाँ से जाता हूँ विलेजर्स के हाउस में ताकि उन सबको यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए खाना दे सकूँ। अभी देखो यहाँ पे आके इन सब इन लोग के सामने यहाँ पे ब्रेड और पोटेटो रख देता हूँ ताकि ये लोग यहाँ पे खाना खाकर ब्रीडिंग करना चालू कर दे। अभी देखो जैसे इन लोग को मैंने यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया, इन लोग का यहाँ पे नंगाना चालू हो गया है देखो, और यहाँ पे बच्चा पैदा करने की मशीन लोग ने चालू कर दिया। अभी देखो एक के बाद यहाँ पे लल्ले आने लगेंगे, लल्लों की लाइन होगी यहाँ पे। तो इन लोगों को मुझे और यहाँ पे और भी जो है मतलब खाना देना पड़ेगा ताकि यहाँ पे और विलेजेस आ सके। हमें यहाँ पे देखो कम से कम 13 विलेजेस यहाँ पे चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 30 ब्लॉक शायद होते हैं मतलब जॉब के यहाँ पे, तो सभी को यहाँ पे एक ही जॉब के ब्लॉक हम असाइन कर देंगे, तो उसके लिए हमें कम से कम 13 विलेजेस यहाँ पे चाहिए होगी। अभी देखो मैं अपने अपने स्टोरेज में चेक करता हूँ, तो मेरे पास अभी देखो 4-5 मतलब जॉब ब्लॉक तो ऑलरेडी थे, और बाकी के यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेता हूँ। अभी देखो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 6 जॉब ब्लॉक थे, अभी यहाँ पे मुझे कितने 7 जितने यहाँ पे जॉब ब्लॉक बनाने हैं मुझे। अभी यहाँ पे देखो बैरोली बन चुका है, और कंपोस्टर तो अपने पास ऑलरेडी था तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। अभी देखो यहाँ पे स्मिथिंग टेबल बना लिया है हमने, और ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए हमें एक फर्नेस चाहिए होगी, उसके लिए हमें कोबल स्टोन चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास कोबल स्टोन नहीं है, तो उसके लिए शायद यहाँ पे कहीं हमने रखे हो गए। फर्नेस में ही थे शायद यहाँ पे कहीं पे, ओके यहाँ पे है, उसको भी ले लेता है यहाँ पे से। फिर फटाफट से मैंने देखो यहाँ पे एक फर्नेस बना लिया, उसकी वजह से मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस बना लिया है। अभी देखो टोटल यहाँ पे 8 जॉब ब्लॉक हो चुके हैं, अभी भी हमें यहाँ पे 5 या 6 जॉब ब्लॉक चाहिए। अभी लूम बनाने उसके लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो फटाफट से उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और उसको भी यहाँ पे क्राफ्ट कर लेता हूँ। अभी देखो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सभी जॉब लोग को पूरी रात में मैंने बना लिया यहाँ पे, और उन सभी को लेके और थोड़े बहुत यहाँ पे स्टेज लेके जाता हूँ मैं विलेजर्स के हाउस में। अभी उन सभी बेरोजगारों को हमें यहाँ पे जॉब देना है। मैं गाइस यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे जो डॉट वाला लेयर मैंने बनाया था ये मतलब विलेज का हाउस बनाने के लिए, तो तभी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे फिलहाल इसको यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि दिखने में थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था, और वैसे भी यहाँ पे देखो विलेज जो है यहाँ से मतलब थोड़े ऊपर से मतलब जंप लगाए तो वहाँ से डायरेक्ट नीचे जाए तो जाके भाग जाएंगे वो लोग। अभी देखो बच्चे यहाँ पे कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं, 2-3 बच्चे नीचे भी घूम रहे हैं पूरा यहाँ पे। देखो इन लोग का यहाँ पे किंडर गार्डन बन चुका है, मतलब कैसे घूम रहे हैं। अरे 2 बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुंह काला कर रहे हैं शायद, क्या कर रहे हैं। ओके जो भी हो यहाँ पे छोड़ते हैं, उसके लिए अभी हमें टाइम नहीं है, अभी यहाँ पे उसको मतलब उनके मतलब मम्मी पापा को यहाँ पे जॉब देनी है हमें, तो यहाँ से मैं एक एक ब्लॉक लगाना चालू कर देता हूँ। उसके सामने देखो यहाँ पे एक नेचर ने यहाँ पे अपनी जॉब ले ली है, तो उसके ही सामने यहाँ पे मैं स्टेज का एक ब्लॉक रख दूँ ताकि यहाँ पे देखने में भी अच्छा लगे, ताकि यहाँ पे मतलब एक लुक आना चाहिए कारखाना वाला। अभी इन सभी नलों को हमने यहाँ पे काम धंधा दे दिया है देखो, अभी यहाँ पे एक स्मोकर भी रखना है, और धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे मतलब पूरा 13 ब्लॉक यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे एक बैरल लगा देता हूँ, फिर एक कंपोस्टर भी लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रेविंग स्टैंड भी लगाना है ताकि क्लर्क भी अपनी जॉब ले ले यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस टाइम 5 ब्लॉक लगा दिया, सामने वाली साइड भी यहाँ पे 5 ब्लॉक लगाना है। अभी सबसे पहले यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे कार्टोग्राफी टेबल, और यहाँ पे और 4 ब्लॉक यहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पे ग्रीन स्टोन भी लगा देते हैं, स्टोन कटर भी, और एक कॉल्ड्रन भी। अभी और भी हमारे पास देखो यहाँ पे 3 ब्लॉक बचे हुए थे, यहाँ पे एक लगा देता हूँ पहले लूम वाला।
और यहाँ पे लगा देता हूँ ब्लास्ट फर्नेस। और सामने और भी यहाँ पे एक जगह बची तो वहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं स्मिथिंग टेबल। अभी देखो फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक लोग मतलब बच गया है, यहाँ पे उसको कहाँ पे लगाया उसकी जगह नहीं मिल रही है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्च लगा देता हूँ, थोड़ा अंधेरा से यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे। और लाइब्रेरी का जो भी मतलब यहाँ पे ऊपर रखना पड़ेगा, अभी यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं बची हुई है। कहाँ पे लगा, इस कॉर्नर पे रख देता हूँ यहाँ पे उसको, और उसके सामने भी एक स्टेज लगा देता हूँ। अभी देखो फिलहाल तो यहाँ पे रात हो चुकी है, तो मैं भी यहाँ पे मतलब इन सभी लोग के साथ यहाँ पे सो जाता हूँ। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ अभी देखो, जैसे यहाँ पे सुबह हुई सभी विलेज देखो यहाँ पे मतलब पता नहीं क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे जाने लगे हैं। मतलब सभी बच्चे ने बड़े होकर यहाँ पे अपनी जॉब भी एक्सेप्ट कर ली, और देखो उठ के यहाँ पे अपने से तो मतलब काम भी जा रहे हैं डायरेक्टली। अभी देखो गाइस यहाँ पे जितने भी जो मतलब विलेजर्स थे यहाँ पे नीचे आ चुके हैं बेसमेंट ने, वो मतलब जो भी जॉब ब्लॉक के साथ वो रिएक्ट कर रहे थे, वहाँ पे जाके उसने पता नहीं क्या काम करे लेकिन अपना काम चालू कर दिया है। और सभी के साथ यहाँ पे देखो हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे लूट भी मिले थे। यहाँ पे थोड़े बहुत इंचानेट वाले हमें यहाँ पे मतलब जो कसवर और थोड़े बहुत यहाँ पिकेस भी मतलब मिल रहे थे हमें, जिससे मतलब थोड़े बहुत मामूली से इंचानमेंट लगे हुए थे। और फिलहाल तो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। With the